प्रोफेसर वेद व्यास के अध्यक्ष बनने के बाद जोधपुर में दो दिन बाद राजस्थान महिला नीति का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि सम्मेलन की भूमिका क्या है, उनमें कौन कौन महिला लेखिकाएं आ रही हैं, और सम्मेलन की प्रासंगिकता क्या है। व्यास जी से बात करेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में लेखिकाओं पर केंद्रित कार्यक्रम बहुत कम होते रहे हैं। तो मैं अपने इस छोटे से कार्यकाल में एक प्रयास कर रहा हूँ। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, 50% समाज की आबादी है अंधेरे में रहती है, साहित्य को उससे भी जोड़ा गया। और इसी बात को लेकर 12-13 फरवरी को जोधपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं, और मैंने पहली बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि साहित्य को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाए, क्योंकि साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करता है, समय की चुनौतियों को रिप्रेजेंट करता है, और आने वाले परिवर्तन का रास्ता बताता है। तो मैं पहली बार सृजनात्मक साहित्य को सामाजिक सरोकारों से जोड़ रहा हूँ, और इसी बात को ध्यान में रख करके जो राजस्थान की जो प्रमुख एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे अरुणा रॉय है, या महिला आयोग में लाड कुमारी जैन है, या समाज कल्याण बोर्ड में विजयलक्ष्मी बिश्नोई है, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं बुला रहा हूँ। राजस्थान की जो 100 से अधिक लेखिकाएँ पहली बार इस तरह एकत्रित हो रही हैं, और एक आपसी संवाद हम करने जा रहे हैं कि हम कैसे मिलजुल के एक दूसरे के परक पूरक बन के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और एक समग्र विकास के लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में क्या कर सकते हैं। सशक्तिकरण को लेकर के तो आज शायद राजस्थान में या पूरे देश में एक माहौल सा बन गया, हर सिंपोजियम हर आयोजन सशक्तिकरण को लेकर होता है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है? सशक्तिकरण हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, और ये धीमा प्रोसेस होता है। सामाजिक आर्थिक विकास एक रात में पलक झपकते नहीं होता। आज़ादी के बाद का 65 साल का यदि आप इतिहास देखें तो हमारी पूरी जीवन शैली बदल गई है, हमारे कार्य संचार के माध्यम बदल गए हैं, हमारे सोच के दायरे बदल गए हैं, और जो पहले गांव और शहर की जो दूरियां थी वो भी अब कम हो गई हैं, संचार के माध्यम बढ़े हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्तर बढ़ा है, और अब गांव-गांव में चिकित्सा की सुविधाएं हैं, गांव-गांव में सड़कों की सुविधाएं हैं, गांव-गांव में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आ रही है। तो एक सोच का परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है, जबकि राजस्थान तो एक सामंती परिवेश का प्रदेश रहा है, लेकिन वो सामंतवाद की जड़ताएँ, जातिवाद की जड़ताएँ और जो सांप्रदायिकता की जड़ताएँ वो धीरे धीरे टूट रही हैं। इसमें समय लगता है, क्योंकि विचार की गति सबसे धीमी होती है, ध्वनि और प्रकाश इसकी गति बहुत तेज होती है, तो विचार का जो परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है, ये धीमे धीमे आता है। और मेरा तो ये मानना है, सोचना है लेखक के नाते, कि राजस्थान एक रचनात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है कि पिछले कई सालों में महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने सकारात्मक के बावजूद भी जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई महिलाओं के विकास के लिए, चाहे देश की प्रधानमंत्री चाहे जीतीए की चेयर में महिला हो जाए, राष्ट्रपति महिला हो जाए और सभापति अध्यक्ष विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष महिला हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाओं का उठाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा समाज के अंदर। नहीं, इसको आप नकारात्मक रूप से न देखें, ये प्रक्रिया है, व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। ये जो एक्टिविज्म है ये 100% नहीं होता, व्यक्ति व्यक्ति से अंतर बढ़ता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, तो इस प्रयास को बंद कर दें। हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, और प्रयास जारी रहेंगे तो धीरे धीरे सुधार भी आएगा। आज जो भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं, समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं का दखल न हो, तो एक आत्मविश्वास
बन रहा है महिलाओं का, और समाज ग्राम पंचायतों के स्तर पे देखिए एमए पास डॉक्टरेट की हुई लड़कियां सरपंच बन रही। आज गांव में मजदूरी करने वाला अपने अधिकारों के लिए सोचता है कि भाई मुझे सूचना का अधिकार मिला हुआ है, मुझे नरेगा में ये मजदूरी का अधिकार मिला हुआ है। आज आदिवासियों के लिए जिस तरह से वन भूमि अधिकार सरकार ने जो लागू किया, तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था सबसे अधिक दिक्कतें पैदा करती है और एक निहित स्वार्थ के लिए काम करती है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए छोटे 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 उपाय हो रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज के अंदर क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को सदन में क्या किस तरह आरक्षण कभी मिल पाएगा? नहीं, महिलाएं पुरुषों से अधिक सृजनात्मक होती है, इसीलिए वो जननी कहलाती है। और मेरा ये मानना है कि पिछले हमारे साहित्य अकादमी को ही आप देखें तो अनेक महिलाएं जो सर्वोच्च प्रतियोगिता है हमारे सृजन की साहित्य की उसमें पुरस्कृत हुई। राजस्थानी को देखें आप, लक्ष्मी कुमारी चुंडाल का नाम आप सब जानते हैं। हमारा जो मुख्य पुरस्कार है उसका नाम ही मीरा पर है। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र मन्ते देवता, वैदिक काल की जो उक्ति है। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ अन्य कई महिलाओं को, अभी मृदुला बिहारी को पिछले साल ही मीरा पुरस्कार मिला, इसके पहले सावित्री परमार जो कहानीकार थी उनको भी मीरा पुरस्कार मिला, और सैकड़ों लेखिकाएं धीरे धीरे इस सृजनात्मक लेखन की ओर आगे बढ़ रही है। मैं तो आशावादी हूँ। लेखन के क्षेत्र में अक्सर अधिकांश महिलाएं जो जिसे हम ग्रुप कहें 25 से 45-50 वो इंटरनेट के थ्रू जा रही हैं, वो लेखन समाचार पत्रों में या आपके पत्र पत्रिकाओं में लिखना पसंद नहीं करती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि जो 45-50 की आयु में महिलाएं हैं लेखिकाएं हैं वो सब वेब या इंटरनेट या वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से या उसके सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। आज भी हमारे देश में पुरुष हो या महिलाएं, आज भी कलम दवा से ही लिखा जा रहा है। सोच के स्तर पर बदलाव है, क्योंकि समाज में आज भी इतनी गुर्बत है कि जब 77% आबादी 20 रुपये रोज में गुजर बसर कर रही है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच रहा है। इसकी पहली जो पहला इंडिकेटर है वो है मोबाइल, जिसने हमारे देश में एक सूचना की क्रांति को जन्म दिया, और अब छोटे से छोटा समाज का जो वर्ग है वो मोबाइल का यूज करता है। जब तक ये सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उस स्तर पर गरीब तक नहीं पहुंचे, तब तक परिवर्तन धीमे धीमे आएगा, और साहित्य में भी यही प्रक्रिया चल रही है। आज भी किताबें पढ़ी जा रही हैं, आज भी गाँव में साहित्य को लेकर, हमारी परंपराओं को लेकर और हमारे इतिहास को लेकर के लोगों में ज़्यादा जिज्ञासा है। ये जो अंतर आपको दिख रहा है ये शहर और गांवों का है। जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं देश में प्रकाशित हुए हैं, चाहे कालिदास के को लेने, रामायण को लेने, महाभारत को लेने, सारे के सारे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, हर पेज वाइज उपलब्ध हैं। तो आप नहीं लगते उसके जो हमारी साहित्य अकादमी की भी स्थिति, हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ें साधनों से भी जुड़ी हुई हैं, और इस समय हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल सर्विस भी है, और हम अगली योजना में 2012-13 में डिजिटलाइजेशन का काम भी करने जा रहे हैं। और अब पहले मैंने खुद देखा है कि टंकण भी उससे काम होता था, आज हम कंप्यूटर के माध्यम से अकादमी का सारा काम करने लगे हैं, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। आप मेरे मूल प्रश्न को आपने फिर टाला, और 35 से 80 की बात पिछले लंबे समय से चल रही है, सोनिया जी भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे पुरुष प्रधान संस्कृति जिम्मेदार है? कैसे राजनीतिक प्रश्न है,
लेकिन मैं एक लेखक के नाते ऐसा महसूस करता हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसके पीछे राजनीति है, राजनीति के भीतर कहीं पुरुष सत्तात्मक परिवार की हमारी हजारों साल की परंपरा भी है, कहीं इसमें साधनों की भागीदारी की हेगेमोनी की भी है। बाकी मैं महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में बहुत